Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 4C class 9th में और मैं ICSE बोर्ड की सरना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं. मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 और इस चैप्टर की एक्सरसाइज ए भी कंप्लीट हो चुकी है. उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स जाके उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 है एक्सपेंड फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, सेकेंड x माइनस 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर, थर्ड 5a माइनस 3b प्लस c का होल स्क्वायर एंड फोर 5x माइनस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर. आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a प्लस b प्लस c है ना, और a प्लस b माइनस c या a माइनस बी प्लस सी या a माइनस बी प्लस सी दोनों सेम है और a माइनस बी माइनस सी. अब होता क्या है इतनी सारी आईडी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है. कैसे करेंगे एक ही तरीका, बहुत सिंपल तरीका बताते हैं क्या है आईडी. फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक आइडेंटिटी जरूर याद रखनी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. सिर्फ सारे के सारे प्लस के साइन होते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c सबको याद होती है, क्योंकि सारे प्लस का वही आइडेंटिटी यूज करो. ए स्क्वायर ए की जगह x तो x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह क्या y तो y स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर अब c की जगह क्या है माइनस जेड है ना, तो सी की जगह माइनस जेड है तो माइनस जेड का स्क्वायर प्लस सी आएगा तो जेड स्क्वायर. अब प्लस 2ab तो प्लस प्लस का मल्टीपल करेंगे प्लस सी आएगा, इसमें प्लस लगा दिया 2xy आ गया, वही आइडेंटिटी यूज कर रही है ना. बस अब रुक जाओ प्लस 2bc तो प्लस b की वैल्यू क्या है y और c की वैल्यू क्या है जेड, तो इनका आपस में मल्टीपल करो प्लस माइनस का तो माइनस आ जाएगा माइनस 2yz. सी सी बात है जेड जिसके साथ आएगा उसके साथ माइनस का साइन आएगा, स्क्वायर आइटम को छोड़ के. अब क्या आएगा 2zx माइनस है तो माइनस का आएगा माइनस 2zx. ये इसका आंसर हो गया. लगता है शायद नहीं समझ में आया होगा अच्छे से, दोबारा मैं थोड़ा डिटेल में करूँगा. सेकंड पार्ट क्या है देखो, x माइनस 2y था है ना, y लिख लिया मैंने, x माइनस 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर. अब a की वैल्यू x, b की वैल्यू माइनस 2y और z की वैल्यू 2, आइडेंटिटी क्या है ए स्क्वायर. तो देखो ऐसे करा था मैं, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा प्लस b, और b की जगह क्या है माइनस 2, तो आप प्लस वाली आइडेंटिटी लिखो, इसको ब्रैकेट में लिख लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस 2b 2y सॉरी. अब प्लस 2bc तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है माइनस 2y और c की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2ca 2 c की वैल्यू 2 मतलब c के प्लेस पर 2 है और a की प्लेस पर x है. तो आपको बस a की आइडेंटिटी लगती है और वही लगा दो प्लस माइनस जो भी आएगा, देखते हैं आप क्या आएगा. एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस सी होता है 2 का स्क्वायर 4 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 है ना जेड से लगा है 2 है, 2 का स्क्वायर 4. अब माइनस प्लस माइनस 2 2 या 4 और एक्स इंटू वाई 4xy. अब प्लस माइनस माइनस और 2 2 या 4 2 या 8 पर एक वाई है और लास्ट वाला टर्म प्लस था ही 2 2 या 4 तो 4x प्लस के 4x. तो ये आपका आंसर आ गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4xy माइनस 8y प्लस 4x. क्लियर? अगर नहीं आया आपको, हो सकता है अभी कुछ कन्फ्यूज, तो तीसरा मैं और डिटेल से करता हूँ. क्या है देखिए, ये है 5a माइनस 3b प्लस सी का होल स्क्वायर. पहली बात तो देखो सिंपल सी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं. तो 5 का a का स्क्वायर क्या होगा 25 स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब 2ab इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे, एक प्लस माइनस तो माइनस में आएगा तो माइनस का साइन लगा तो माइनस 2 और जो भी आएगा, इन दोनों का करेंगे एक प्लस एक माइनस तो भी माइनस का आएगा और लास्ट में 2ca ये दोनों प्लस प्लस में आंसर आएगा. अगर नहीं आती ये बात भी समझ में तो क्या करोगे, एक स्टेप आप बढ़ा लोगे, कर ली ब्रैकेट में इसे लिख लोगे 5a. हाँ आपका आइडेंटिटी याद है बहुत अच्छी बात है, प्लस इसको ब्रैकेट में लिख लो माइनस 3b प्लस सी. अब क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो सबको याद होती है आइडेंटिटी है ना, क्योंकि सारे टर्म प्लस के होते हैं. बस अंतर क्या है, a की जगह आप 5a लगेंगे, जहाँ कहीं भी b आएगा वहाँ माइनस 3b लगाओगे और c की जगह c है, तो लगाते हैं a स्क्वायर
यानी कि 5a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब b की वैल्यू क्या है माइनस 3b, प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 5a इंटू b, b की प्लेस पर क्या लगाएंगे हम माइनस 3, प्लस 2bc, तो प्लस 2 इंटू b, b की वैल्यू माइनस 3b और c की प्लेस पर तो c है तो बेसिक वैल्यू c है, प्लस 2ca, 2 इंटू c और a की वैल्यू है 5a। ओके देखते हैं क्या आया, 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 5 या 10 और 10 3 या 30 और वेरिएबल का वेरिएबल में a इंटू b, तो ए बी ये हो गया 30ab। अब यहाँ देखें माइनस प्लस माइनस, 2 3 या 6 और b इंटू c, वेरिएबल का वेरिएबल करेंगे bc, यहाँ सब प्लस c है तो प्लस में आएगा, 2 5 या 10 c इंटू ए सी ए या ए सी, आप कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं है। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 30ab माइनस 6bc प्लस 10ca। नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है, 5x माइनस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब 2ab करेंगे माइनस में आएंगे क्योंकि एक माइनस है प्लस है, अब 2bc क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इस तरीके से कर देते हैं ना, सिंपल सा तरीका, क्या जो प्लस माइनस वाले टर्म है सॉरी उसको आप क्या प्लस लगाओ और माइनस वाले टर्म को लिख लो आप ब्रैकेट में, तो माइनस 3 बाई, ये भी माइनस में तो प्लस लगाओ और इसको लिख लिया माइनस 2 और होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 3b, c की वैल्यू माइनस 2, आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर 5x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है माइनस 2 तो इसका स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 इंटू a इंटू b, b की वैल्यू माइनस 3y, प्लस 2bc प्लस 2 इंटू b, b के प्लेस पर क्या है माइनस 3y और c की वैल्यू माइनस 2, प्लस 2ca तो 2 इंटू सी, सी की वैल्यू तो दिखाई दे रही है और a की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, दिखा देते हैं ये 5x है ना, इंटू 5x, थोड़ा सा जूम कम कर दूँ तो हो सकता है ज़्यादा दिखाई दे जाए, ठीक है दिख रहा होगा पूरा और कम कर दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा जाता तो कुछ नहीं दिख तो रहा है कम से कम पूरा, चलिए हो गया 25x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस सी होता है और 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ये हो गया, अब प्लस इंटू माइनस तो माइनस माइनस रहेगा, 2 5 या 10, 10 3 या 30, तो 30xy, अब यहाँ देखें ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ये होगा, तो प्लस में आंसर आएगा 2 3 या 6 और 6 2 या 12, तो 12k ओनली वाई, ये तो 2 है ना, हाँ वही खाइए 12y हो गया, 2 3 या 6 माइनस के और माइनस माइनस प्लस 6 2 या 12y, ओके माइनस प्लस माइनस 2 2 या 4, 4 5 या 20, 20x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या है दिखाते हैं। क्वेश्चन 5 है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये मैंने लिख लिया है जो गिविन था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 12, फर्स्ट इक्वेशन डाल दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50, सेकंड इक्वेशन, हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की फॉर्म फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है सॉरी। तो देखो हमें एक फॉर्मूला जो ऊपर करें वही वाला यूज करना है, वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, हम ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं जो 2ab पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके देखो इसे अच्छे से समझना, आगे सभी सवाल इसी फॉर्मूले बेस पर हैं। अब करना क्या है भी बहुत ईजी कुछ नहीं है सवाल में, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है तो फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो, 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अंडरलाइनिंग करनी समझाने के लिए, इसकी वैल्यू 50 देखी है तो सेकेंडरी क्वेश्चन ये पुट कर लो,
प्लस ट्वाइस ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी, लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सी आ गई सेकेंड सी, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए 144, 50 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, या तो 2 से डिवाइड करो, पहले 50 को लेंगे, वो आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हो, मैं नहीं गया था। तो माइनस का हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके क्लियर ना। तो 144 में से 50 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 में से 0 गया 4, 14 बोर लेंगे 14 में से 5 गया 9, इज इक्वल ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से ये 47 बार कैंसिल हो गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 47, यही हमें फाइंड करनी थी। तो वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 47। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सब आपके पूरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 35 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 23, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। इस क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखी थी, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें ये फाइंड करनी थी, यहाँ ये दे रखी है। सेम वैसे ही होगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने वैल्यू लिखी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में 35 दे रखा है, इसको फर्स्ट डाल दी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है हमें 23, इसको डाल दी सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब वही आइडेंटिटी लगानी है हमें, वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो फर्स्ट इक्वेशन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो ये रख देंगे 35 प्लस ए बी प्लस बी सी की वैल्यू मालूम है, वो रख देंगे, तो वही करने हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर इतनी प्लेस पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट से क्या वैल्यू है 35 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू रखिए 23। तो 23 वही काम जो पहले करा था, कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके ये वैल्यू पूछ कर दी। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होगा, ये 35 प्लस 46, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, तो 46 ये कितना आ गया 81 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें वैल्यू फाइंड करनी थी ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा ये तो जानते हो, इसका रूट लेते तो प्लस माइनस आता है, और 9th स्टैंडर्ड में 81 का स्क्वायर रूट तो आप अच्छे से जानते हो 9। तो ये आंसर हो गया द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल प्लस माइनस 9, ओके क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैं ही लिख देता हूँ है ना, सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ देखा इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पी, तो लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है पी, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया ये, और देखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी दे रखी है, और वो दे रखी है क्यू, इसको मान लिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। तो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम ऊपर की तरह ही इस क्वेश्चन है, नहीं उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा था, चलो करते वही जैसे ऊपर वाला, ओहो बाइक को निकल दो। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ही वैल्यू फाइंड करनी है प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, छोटे छोटे सवाल है। तो फर्स्ट इक्वेशन से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पी है, तो पी का स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है प्लस ट्वाइस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्यू, तो ट्वाइस क्यू कहाँ से आ गई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो गया, 2q को उधर लिया है, तो पी स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वैल्यू फाइंड हो गई, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 2q।
क्लियर। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 47। फाइंड क्या करना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वैसी है। चलिए करते हैं। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइज इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो वही करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए 50, इसकी जगह 50 और इसकी जगह 47। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल 50 प्लस 2 इंटू और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सेकेंड इक्वेशन से 47। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो गया, 50 प्लस 94 ये कितना हो गया, 144 हो गया, है ना, 4 9 44। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12, और अंडर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 12। तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल प्लस माइनस 12। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दे रखा है, लिख देता हूँ। इफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए करते हैं, इसमें वो ए प्लस बी माइनस सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो लिखते हैं, वी नो दैट x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो स्क्वायर वाले टर्म तो होता है ना, हमेशा प्लस के होते हैं तो प्लस पे सोचे नहीं। अब इनका मल्टीप्ली कर लो, एक्स वाई प्लस प्लस है प्लस में आएगा, तो प्लस 2 ब्रैकेट में लिख लो बाहर, सॉरी एक्स वाई, इन दोनों का करेंगे तो माइनस वाई जेड, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस जेड एक्स। और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बाकी सब हमें दे रखा है। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू कोड दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर, और ये दे रखी हमें 30, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 30 प्लस ट्वाइज एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लिखना चाहो लिख दो, कहाँ से आ गए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल 30 प्लस 2 एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 30 को तो लिया है तो 16 माइनस 30 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 16 में से 13 जाएंगे तो माइनस के 14 बचेंगे, ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7 एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 7, यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस सेवन करो सॉरी जेड एक्स इज इक्वल माइनस 7। तो ये आपका लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आंसर चेक कर लेते हैं, 4C का लास्ट माइनस 7। ओके, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4C कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, कोई अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार कुछ वीडियो पर आए हैं, पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।